का आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका खास प्रोग्राम खास चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरी आग में। जी हाँ, मैं आपके लिए हर बार की तरह इस बार लेकर फिर से हाजिर हूँ आपका खास प्रोग्राम टॉप फाइव भोजपुरी। टॉप फाइव में हम आपको बताते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की वो तमाम ऐसी बड़ी खबर जो कि आपके सुपरस्टार और उनकी फिल्मों के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए जो खबर लेकर आई हूँ वो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे हॉट एक्ट्रेस कहे जाने वाली प्रियंका पंडित। जी हाँ, प्रियंका पंडित और विलेन के तौर पर काफ़ी फेमस रहे आयाज खान। जी हाँ, ये दो ऐसे स्टार को लेकर आई हूँ और उनको मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिरकार भोजपुरी इंडस्ट्री में किस तरीके से एक्शन सीन शूट किए जाते हैं। वहीं हमारी अगली खबर है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे खूबसूरत हीरो कहे जाने वाले प्रियेश। जी हाँ, हाल ही में उनकी शादी हुई है। शादी के बाद उनको एक फिर से नई फिल्म में, बड़ी फिल्म में काम करने का मौका मिला है, यानी कि शादी के बाद उनको एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हमारी अगली खबर है, जी हाँ, हमारी अगली खबर है भोजपुरी इंडस्ट्री के देसी हीरो खेसारी लाल यादव के साथ उनकी फिल्मी हम सफ़र यानी कि काजल राघवानी। जी हाँ, खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की एक साथ की फिल्म दुल्हन गंगा पार का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसमें काफ़ी खूबसूरत गाना रिलीज हुआ, गाना बताया गया है, दिखाया गया, जो गाना काफ़ी दमदार है। वही हमारी अगली खबर है, जी हाँ, हमारी अगली खबर देसी हीरो खेसारी लाल यादव से तो जुड़ी हुई है, लेकिन उनकी खबर नहीं है। दरअसल ये खबर उनकी बेटे और बेटी की है, बेटी कृति और बेटा ऋषभ की। हाल ही में एक नई फोटो आई है जो काफ़ी दर्शकों का दिल जीत रही है। वहीं हमारी अगली खबर है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की रानी चटर्जी। जी हाँ, रानी कही जाने वाली रानी चटर्जी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है अपनी पंजाबी फिल्मों को लेकर। तो ये पांच ऐसी बड़ी खबरें थी जो कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या कुछ चल रहा है देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जितनी भी फिल्में बनती हैं उन फिल्मों का बजट काफी कम होता है, लेकिन जिस तरीके से अब भोजपुरी फिल्मों को बदलाव आ रहा है, जिस तरीके से भोजपुरी फिल्में बनने में बदलाव आया है, वो सच में काबिले तारीफ है। वैसे हमने आप सभी को पहले अपनी रिपोर्ट में ये बता चुके हैं कि आखिरकार किस तरह से भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग होती है, तो वहीं आज हम आप सभी को ये बताने वाले हैं कि आखिर किस तरह से भोजपुरी फिल्मों में एक्शन की शूटिंग होती है। जी हाँ, आज सोशल मीडिया पर प्रियंका पंडित के साथ अयाज खान के एक एक्शन की भरी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की गई है, लेकिन उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि आखिर वो कौन सी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन भोजपुरी फिल्मों में जिस तरह से परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसे देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि वो दिन भी दूर नहीं है जब भोजपुरी इंडस्ट्री बॉलीवुड को टक्कर देगी। भोजपुरी इंडस्ट्री के एक ऐसा कलाकार जो कि छोटे पर्दे से लेकर फिल्मों तक अपनी पहचान बना चुके हैं, जिनका नाम है प्रियेश सेना। हाल ही में इनकी शादी हुई है और शादी के तुरंत बाद अब उन्हें भोजपुरी फिल्म भौजी विधाता में लीड रोल मिल चुका है, यानी उनकी पत्नी और प्यार उनके लिए है बहुत लकी। तो सुनिए क्या कहना है प्रियेश का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़ भोजपुरिया और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। हम फिल्म भौजी विधाता के फर्स्ट लुक लॉन्च पर यहां पर मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं फिल्म के लीड एक्टर प्रियेश सिन्हा जी। प्रियेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रियेश जी, आप जो है इंडस्ट्री के बहुत अच्छे कलाकारों में से एक माने जाते हैं, फिल्म के बारे में हमें कुछ बताएं। फिल्म भौजी विधाता, चूँकि नाम से ही क्लियर है कि एक महिला प्रधान फिल्म है ये, और मेरे तो तमाम सीरियल्स रहे हैं जिसमें मैंने भौजी नंबर वन, बिग मेम साहब, बिग बहोरिया, रसोई की रानी और तमाम शोज़ जो मेरे हुए हैं सब महिलाओं पे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक इच्छा थी मेरी भी कि एक फ़िल्म भी हो जो मैं भाभियों को डेडिकेट कर सकूं। तो ये उस तरह की फ़िल्म है जिसमें आप अपने परिवार के साथ इस फिल्म को देख सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत सुंदर और सराहनीय प्रयास है। सर, फिल्म में आपका किरदार जो है वो लीड किरदार है, और अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। जैसा कि पोस्टर में देख के लग रहा है कि आप बिल्कुल एक सिंपल, जैसी आपकी छवि है इंडस्ट्री में, बिल्कुल सिंपल सोबर वाली छवि, तो अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, इस फिल्म में भी सिंपल तो रहूँगा, सोबर भी रहूँगा। कोई भी इस तरह का आप मुझे एक्टिविटी करते हुए नहीं देखेंगे जिससे मेरे ऑडियंस को दुख लगे, और वो सब कुछ करते हुए ज़रूर देखेंगे जिससे ऑडियंस को भरपूर मनोरंजन मिले। मेरी इस फिल्म में किरदार के बारे में ये है कि
गांव का एक सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति है जो आ गया है शहर, और दिल्ली आने पे उसके साथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे यहाँ के भगदड़ में वो रगड़ खाता है और फिर डिलाइट बन जाता है। तो ये इस तरह की जर्नी है इस फिल्म के अंदर, जिसके बीच में काफ़ी फन है, काफ़ी मस्ती है। सर लोग भी ऐसा कहते हैं कि महिलाएं जो हैं वो भोजपुरी फिल्मों की ओर थोड़ा कम जाती हैं, लेकिन जिस तरह से ऐसी फिल्में बन रही भौजी विधाता, कई ऐसी फिल्में जो महिलाएं वाकई में देखना चाहती हैं, तो कहीं ना कहीं अश्लीलता और फूहड़ता का टैग जो है वो लगता रहा है। तो ये फिल्म बाकी चीज़ों से किस तरह से अलग है, क्योंकि फिल्म का पोस्टर देख कर तो ये लगता है ये फिल्म एक प्रॉपर पारिवारिक फिल्म। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी चैनल ने भी मेरे साथ काम किया या फिर मैं किसी प्रोड्यूसर के साथ जुड़ा हूँ, तो मैंने अपने नाम की, अपने ब्रांड वैल्यू की हमेशा कदर की है, और कदर की है अपने ऑडियंस की, जो मुझे कभी भी समझते हैं कि भोजपुरी करते हुए भी ये इनकी फिल्में या फिर इनके शोज़ ऐसे होते हैं जहाँ इन सब चीज़ों से हम दूर हैं और मनोरंजन भरपूर है, शुद्ध पारिवारिक। तो ये फिल्म बिल्कुल इसी तरह से है। तो इस मेरा होना इसमें इस बात की गारंटी है कि इस फिल्म में किसी तरह की कोई फोड़ता या फिर डबल मीनिंग, अश्लीलता, कुछ ऐसी सारी चीज़ें नहीं होंगी। आप पूरी फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ बैठ कर देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रीतेश सिन्हा जी, और बिल्कुल उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जिस तरह की उनकी छवि है इंडस्ट्री में, बिल्कुल एक साफ सुथरे हीरो की, और इन्होंने किसी भी चाहे वो सीरियल्स की बात हो या फिल्मों की बात को कभी भी अश्लीलता और फूहड़ता को बढ़ावा नहीं दिया है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि फिल्म जो है एक बड़ी हिट साबित हो। प्रीतेश जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। थैंक यू सो मच। मार्च को भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म दुल्हन गंगा पार का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, और जैसा कि खेसारी को उम्मीद थी कि दर्शक की तरफ से इस फिल्म को और इस ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पांस मिलेगा, और अब ऐसा हो भी रहा है। खेसारी की फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के 2 दिन बाद भी 21 लाख से ज्यादा व्यूज इस फिल्म को मिल चुका है, और इसी के साथ भी अभी भी इस फिल्म का ट्रेलर के व्यूज प्रति घंटे बढ़ते जा रहे हैं। वैसे आप सभी को हम बता दें कि इस फिल्म में एक्शन से शुरू ही ट्रेलर में कृति का अलग ही एक्टिंग दिखाई दिया है। साथ ही इस फिल्म के ट्रेलर में खेसारी के साथ काजल का एक बहुत ही ज्यादा रोमांटिक गाना शूट किया गया है, जिस गाने के बोल है गोदी के मजा पलंग पर ना मिली। जिस गाने में खेसारी के साथ काजल राघवानी एक साथ रोमांस करते हुए नजर आई हैं, और भले ही इस फिल्म का ट्रेलर बहुत अच्छा है, लेकिन इस गाने ने इस फिल्म में और भी 4 चांद लगा दिए हैं। भोजपुरी के देसी हीरो खेसारी लाल यादव इन दिनों तो वैसे भी अपनी बेटी को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं, क्योंकि 30 मार्च को खेसारी की फिल्म दुल्हन गंगा पार का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिस ट्रेलर में कृति की एक्टिंग देखने के बाद हर कोई आज कृति की तारीफ कर रहा है। तो वहीं आज सोशल मीडिया पर खेसारी की बेटी कृति के साथ उनका बेटा ऋषभ की कुछ समय पहले की फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर की गई है, जहां कृति और ऋषभ एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए नजर आए हैं। वैसे इससे पहले भी कृति के साथ ऋषभ की कई फोटो सोशल मीडिया पर सामने आ चुकी है, जहां ये दोनों काफी क्यूट दिखाई देते हैं। वैसे हाल ही में खेसारी खुद अपनी बेटी कृति और बेटा ऋषभ के दोनों के साथ लाइव आकर के भोजपुरी दर्शकों के साथ मुलाकात की, और सभी दर्शकों को अपने फिल्म के ट्रेलर को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद कहा। और वैसे अभी भी खेसारी की फिल्म दुल्हन गंगा पार का ट्रेलर का जलवा सोशल मीडिया पर बरकरार है। भोजपुरी इंडस्ट्री की रानी कही जाने वाली एक्ट्रेस रानी चटर्जी इस समय पर भले ही भोजपुरी इंडस्ट्री से दूरी बना चुकी है और वो पंजाब की फिल्मों में काम कर रही हैं, लेकिन रानी पंजाबी फिल्मों में जाते के साथ ही धमाल मचा दिया है, और रोज रोज रानी अपनी नई फिल्मों से जुड़ी जानकारी और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती है। जैसे कि आज रानी ने एक फोटो शेयर किया है, जिस फोटो में रानी एक छोटी सी बच्ची के साथ दिखाई दे रही है, और इस फोटो को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि रानी और उसके साथ की बच्ची इस समय पर ढोल की धूम पर जमकर डांस कर रही है। साथ ही रानी ने अपने इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा है, ऑन सेट बेस्टली माय लव माय क्यूटी यमी मस्ती प्यारी दुलारी।
और वैसे भी आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इस समय पर रानी पंजाबी फिल्मों में काम कर रही हैं, लेकिन भोजपुरी में भी जल्द ही उनकी फिल्म आने वाली है, जिस फिल्म का नाम है चोर मचाए शोर, जिस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम बड़ी खबरें, तमाम बड़ी सुपरस्टार जो होते हैं वो अपनी फिल्म को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर कई बार सोशल मीडिया, सोशल साइट्स पे खबरों में बने रहते हैं। चलिए आज के खास प्रोग्राम में इतना ही, अब बात करते हैं दर्शकों के। देखिए कल जिस खबर पे मैंने आपसे बात की थी, वो खबर थी जब सबसे बड़ी जो खबर थी वो पवन अक्षरा के हाल ही में एक खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था, थोड़ी मारपीट की खबर थी, जो कि अब बाद में वो खबर गलत साबित हो चुकी है। लेकिन उसके बाद दर्शकों का इतना प्यार है पवन सिंह के ऊपर, इतना विश्वास है कि उन सभी को ये खबर पहले से ही गलत लगी। वैसे अमनदीप का हमारे पास एक मैसेज आया है कि आखिरकार पवन का एल्बम कब रिलीज होगा ये बताइए। अमनदीप सर, आप कौन से एल्बम के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं उसका नाम बताइए, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उसके पीछे की जानकारी बता सके। वहीं अमनदीप ने एक बार पूछा है कि कौन है ऐसे न्यूज फैलाने वाला, जरूर बताइएगा कौन है जो पवन सिंह और अक्षरा सिंह को लेकर ऐसी बातें कर रहा है। माफी चाहेंगे अमनदीप सर, हम हर किसी का इस तरीके से नाम नहीं ले सकते, लेकिन आप निश्चित रहिए ये खबर गलत साबित हो चुकी है। आपके हमारे भोजपुरी राजा पवन सिंह ऐसा नहीं कर सकते, आपको उम्मीद थी और ऐसी ये बात सच भी है। चलिए आज के खास प्रोग्राम में इतना ही, ऐसे कमेंट लाइक करते रहिए और प्रोग्राम को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक भोजपुरी की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।